नमस्कार, मैं दीति फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। शरीर में हॉर्मोन्स के लेवल को बैलेंस और ठीक करने के कई तरीके होते हैं, जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड भी काफी ज्यादा हमारी मदद करता है। जब शरीर में थायराइड हॉर्मोन्स या उत्पादन कम मात्रा में होता है तो शरीर में कई तरीके के बदलाव होने लगते हैं। इस बीमारी में वजन बढ़ने के साथ ही हॉर्मोन्स भी गड़बड़ाने लगते हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा थायराइड की बीमारी की चपेट में आती हैं। ये बीमारी थायराइड ग्लैंड के बढ़ने की वजह से होती है। जब शरीर में हार्मोनल असंतुलित होते हैं तो वजन कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसकी वजह से थायराइड की समस्या भी बढ़ सकती है। ये एक साइलेंट किलर बीमारी है क्योंकि इसके लक्षण फौरन सामने नहीं आते। इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं जो आपके समझने में थोड़ी मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थायराइड ग्लैंड की समस्या में राहत मिल सकती है। आइए अब जानते हैं ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में। सबसे पहले वजन में असंतुलित होना, मतलब हमारा वजन कभी कम भी हो सकता है और बढ़ने भी लग सकता है। इसके साथ ही नींद के पैटर्न में बदलाव होना, इसके साथ ही दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा उदास महसूस करना, घबराहट और चिंता होना, बाल पतले होना, धड़कने तेज होना, मांसपेशियों में दर्द होना, इसके साथ ही कई सारे ऐसे लक्षण और भी हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। आयोडीन की कमी थायराइड की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देती है। थायराइड ग्लैंड में बैक्टीरिया या वायरस के कारण सूजन आना, थायराइड ग्लैंड में कैंसर या ट्यूमर होना, रेडिएशन थेरेपी, थायराइड सर्जरी और ऐसी कुछ दवाइयां भी थायराइड की समस्या को और भी बढ़ा सकती हैं। थायराइड रोगियों को काफी रूप से कमजोरी महसूस होने लगती है। कभी कभी गर्भ व्यवस्था में भी शरीर में असंतुलन पैदा हो सकती है और इसके कारण थायराइड की समस्या और भी बढ़ जाती है। थायराइड दो प्रकार की होती है, एक तो डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं दोनों ही थायराइड के बारे में। सबसे हम पहले बात करेंगे ओवर रिएक्टिव थायराइड के बारे में। ज्यादातर थायराइड हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रण करने के लिए दवाइयां लिखते हैं डॉक्टर्स। आमतौर पर अगर रोगी इलाज के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं तो हार्मोन का उत्पादन नियंत्रण आ जाता है और इससे दवाइयों से सेवन भी आपका कम हो सकता है। इसके साथ ही अंडर रिएक्टिव थायराइड के लिए स्थिति में उम्र भर इलाज आवश्यकता होती है। ओरल मेडिसिन एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है जो ये बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ। धन्यवाद।